नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इंफ्राटॉक्स। आज का सबसे पहला यहाँ पर अपडेट है एक और वंदे भारत ट्रेन के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, कल यानी कि 12 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिल्ली से अजमेर के बीच में ऑपरेट होने वाली वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इसके स्टेशन की बात करें तो यह ट्रेन दिल्ली कैंट से गुड़गांव, अलवर, जयपुर होते हुए अजमेर तक जाएगी। इस रूट की करंट फास्टेस्ट ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस इस जर्नी को 6 hours 15 minutes में कवर करती है, बट वंदे भारत इसी सफर में सिर्फ 5 hours 15 minutes का टाइम देगी, यानी कि इसमें कम्यूटर्स का 1 hour तक सेव होगा। यह इंडिया की 14 वंदे भारत ट्रेन होगी। दोस्तों, अगला यहाँ पर अपडेट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर बहुत ही जल्द हमें इसके 21 किलोमीटर लॉन्ग अंडरसी टनल पर काम होता हुआ दिखेगा। यह टनल बुलेट ट्रेन के थाने स्टेशन से मुंबई बीकेसी स्टेशन को कनेक्ट करने वाले रूट पे शिलफटा और विक्रोली के बीच में बनेगी। दोस्तों, आज का अगला अपडेट है राजस्थान के एक सोलर पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जहां पे टाटा पावर सोलर सिस्टम्स को बीकानेर के बरसिंगार में एक 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए अवार्ड लेटर दे दिया गया है। ये प्रोजेक्ट आने वाले 18 मंथ्स के अंदर कमीशन कर दिया जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि बनने के बाद ये सालाना 600,000 टन CO2 एमिशंस को रिड्यूस कर पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे कुछ और नए अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।